संबंधित लोगों का आरोप है कि गांव के प्रधान को वोट ना देने की वजह से उनकी बस्ती में आग लगाई गई। लखनऊ से करीब 110 किलोमीटर दूर सीतापुर के लहरपुर थाने के पट्टी देहलिया इलाके की दलित बस्ती में आग लगी। दलित बस्ती में लगी आग पर किसी तरीके से काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस आग में दो बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। लोगों का कहना है कि बस्ती के 35 से ज्यादा घर आग में पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। बस्ती में रहने वाले दलितों का आरोप है कि इलाके के प्रधान कमलेश वर्मा और उसके लोगों ने उन्हें निशाना बनाया है। दलितों के मुताबिक कमलेश वर्मा ने प्रधानी चुनाव में अपना वोट उसे ही देने के लिए कहा था, न मानने पर आग लगा देने की धमकी दी थी। दलितों ने कमलेश को वोट नहीं दिया और इसी बात से नाराज ने देहली पट्टी गांव के दलितों पर अत्याचार शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि कल शाम प्रधान कमलेश ने दलित बस्ती से सटे अपने खेतों में कचरे का बड़ा ढेर लगवाया और उस वक्त इस ढेर में आग लगवाई गई जब तेज हवा चल रही थी। हवाओं का रुख बस्ती की ओर ही था, लिहाजा आग के तेज लपटों ने फौरन ही बस्ती के घरों को अपनी चपेट में ले लिया और देखते देखते पूरी की पूरी बस्ती आग में खाक हो गई।